बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेरो किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पालक गोश्त। बहुत ही मजे की रेसिपी बनती है, चलिए बनाते हैं। बर्तन गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे एक प्याली तेल रिफाइंड। इसमें आप कड़वे तेल में भी बना सकते हैं। इसे तीन बड़ी प्याज काट के, तेल गर्म हो जाए तो इसमें लाल करना है प्याज को। अच्छी ब्राउन करना है प्याज को लाल। ये हमारी प्याज हल्की ब्राउन हो गई है। इसी में हम 500 ग्राम गोश्त डालेंगे। इसी में हम 500 ग्राम गोश्त डालेंगे। दो बड़े चम्मच अदरक लहसुन के डालेंगे हम। एक चम्मच नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, क्योंकि पालक में नमक ज्यादा नहीं डालते। आधा चम्मच हल्दी, इसको हमें भूनना है। गोश्त अच्छे से भुना गया अदरक लहसुन और हल्दी नमक में। अब इसी में हम एक बड़ा टमाटर कटा हुआ डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर, दो चम्मच लाल मिर्ची डालेंगे, एक चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, इसे भी हमें अच्छे से भून लेना है। इसी में हम आधा ग्लास पानी डालेंगे, ये ग्लास के हिसाब से मैंने लियो। अब इसे बंद करके हम दो सीटी आने के बाद धीमी आंच पे 10 मिनट तक पकाएंगे गोश्त को। ये सीटी लगा देंगे प्रेशर कुकर की, ताकि हमारा गोश्त गल जाए। अभी हमारा गोश्त दो सीटी के बाद 15 मिनट के लिए धीमा कर दी थी, हमारा गोश्त गल गया है। अब इसे ये भूनना है। ये 500 ग्राम पालक है, इसे अच्छे से धो के कट करके रखी हूँ मैं। अब ये गोश्त के अंदर डालना है पालक को। ये देखो हमारा गोश्त अच्छे से भुना गया है। अब इसी में हम पालक डालेंगे। पालक डाल के भी थोड़ी देर भूनना है हमें। अच्छे से मिलाना है पालक डाल के हमें। अभी तो हरी हरी सब्जियां बहुत अच्छी आ रही है। इसी तरीके से गोश्त पालक बनाओ। ये पालक को अच्छे से भून के भून लिए। अब इसमें पानी नहीं जाएगा, खाली दो सीटी सिर्फ लगानी है पालक में, क्योंकि पालक खुद ही अपना पानी छोड़ेगा। ये हमारा पालक गोश्त ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अभी थोड़ा पानी है और थोड़ा सा भून लेते हैं। और किसी को अगर ऐसा लस लसा रखना है तो वो भी रख सकते हैं, और ज्यादा भूनना है तो वो भी कर सकते हैं। ये हमारा पालक गोश्त तैयार हो गया। अब इसी पे हम धनिया कटा हुआ डाल देंगे, हरा मसाला। ये देखिए इतना मजे का बनता है पालक गोश्त, एक बार जरूर ट्राई करो आप घर पे, आप लोग भी। ये हमारा पालक गोश्त देखो कितना मजे का तैयार है बनके। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो सेरो किचन को। अल्लाह हाफिज़।